रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, दिस इज़ द बुक ऑफ इंग्लिश ए, प्लीज़ ओपन इट एंड लेट स्टार्ट न्यू एक्टिविटीज़ एट पेज नंबर 145. सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 145 एंड दिस इज़ आवर ग्रामर पोर्शन. सो लेट स्टार्ट इट. वी यूज़ इनडेफिनेट प्रोनाउंस. हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं टू रेफर्स टू पीपल और थिंग्स, लोगों और चीज़ों के लिए. रेफर्स मतलब उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. दैट आर नॉट स्पेसिफिक, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं होते, जो कि मुख्तस नहीं होते. ओके, यानी हमारे पास बाउंड, हम बाउंड नहीं हैं कि हमने जस्ट यही वर्ड यूज़ करने हैं, हम इनके अलावा भी कर सकते हैं. वी यूज़ प्रोनाउंस एंडिंग इन बडी और वन फॉर पीपल. हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं जिनके आखिर में बडी और वन आता है लोगों के लिए, जैसे समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और समवन, एनीवन, एवरीवन. ओके, सो दीज इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज फॉर पीपल एंड प्रोनाउंस एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग्स. और ऐसे प्रोनाउन जिनके आखिर में थिंग आता है वो हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक nothing, anything, something. okay, the indefinite pronouns are, indefinite pronouns कौन से हैं? वो ये हैं, no one, anyone, someone, everyone, nobody, anybody, somebody, everybody, nothing, anything, something, everything. सो लुक स्टूडेंट्स, हम जो ये पहली दो लाइनें हैं जिनमें वन और बडी यूज़ हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि वन और बडी हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीपल के लिए. और जो आखिरी लाइन है जिसमें थिंग यूज़ किया है, जस्ट लाइक थिंग फॉर थिंग, सो ये हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये सारे वर्ड्स, यानी ये फोर वर्ड्स जो लास्ट लाइन पे हैं, विच आर नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि ये जो ऊपर वाले दो लाइंस हैं, यानी आठ लफ्ज हैं, ये हम लोगों के लिए, पीपल के लिए इस्तेमाल करेंगे. ओके, एवरीवन सैंग एंड डांस्ड टू सेलिब्रेट द कम्प्लीशन ऑफ द वेल. यानी हर कोई कुएं के मुकम्मल होने को मनाते हुए नाचा और गाया. नेक्स्ट इज Anybody wants to help look after baby brother, asked mom. Anybody, कोई भी, wants to help, क्या कोई मदद करना चाहता है, look after, देखभाल करना, baby brother, छोटे भाई की, asked mom, अम्मी ने पूछा कि क्या कोई छोटे भाई को देखभाल करने में मदद करना चाहता है. Next is nothing is impossible, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है. वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, हमें सिर्फ सख्त मेहनत की ज़रूरत है, या हमें सिर्फ सख्त मेहनत करनी है टू अचीव, हासिल करने के लिए आवर ड्रीम्स, हमारे ख्वाबों को, डिक्लेयर्ड रियान, रियान ने वाजिया किया या ऐलान किया. फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनेट प्रोनाउंस फ्रॉम द लिस्ट अबव. खाली जगहों को ऊपर दिए गए लिस्ट में से लफ्ज़ों से पुर करें. नंबर वन, डू नॉट फ्रेट. फ्रेट मीन्स परेशान होना. डू नॉट फ्रेट, परेशान ना हो. डैश इज़ टेकन केयर ऑफ, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स चूज द वर्ड फ्रॉम द अबव लिस्ट. यस, चूज द वर्ड फ्रॉम हेयर टू राइट द ब्लैंक. ओके, वी विल राइट एवरीथिंग, हर चीज़. Everything is taken care of, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है. नंबर टू, डैश हैज़ टू स्टे बिहाइंड टू हेल्प क्लीन अप द क्लासरूम. किसी को पीछे रहना पड़ता है क्लासरूम की सफाई में मदद के लिए. सो वट वी विल राइट हेयर. ओके, वी विल राइट हेयर समवन. समवन हैज़ टू स्टे बिहाइंड, किसी को पीछे रहना पड़ता है To help clean up the classroom, classroom की सफाई में मदद के लिए. Number three, I am going out for lunch. मैं खाने के लिए, lunch means दोपहर का खाना, दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रही हूँ. Would you like, क्या तुम कुछ पसंद करोगी? Dash from the restaurant, restaurant से. Now, let's choose this word students, that what should we write here? Yes,
कुछ चीज़, कोई चीज़ हमें चूज़ करनी है रेस्टोरेंट में से. सो वॉट वी विल राइट? ओके, वी विल राइट एनीथिंग. आई एम गोइंग आउट फॉर लंच. मैं दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रही हूँ. वुड यू लाइक एनीथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट? क्या तुम रेस्टोरेंट में से कोई चीज़ पसंद करोगी, यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ. नंबर फोर, एज सून एज दी कॉन्सर्ट वॉज ओवर, जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया था, डैश लेफ्ट दी हॉल क्वाइटली, सब ने खामोशी से हॉल छोड़ दिया. सो वॉट शुड वी राइट हेयर? वी शुड राइट एवरीबडी, हर किसी ने, जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया था, हर किसी ने खामोशी से हॉल छोड़ दिया, यानी हर कोई हॉल से चला गया. नंबर फाइव, डैश वॉन्ट्स टू बी लेट फॉर द मूवी. डैश वॉन्ट्स टू बी लेट फॉर द मूवी. क्या कोई मूवी के लिए लेट होना चाहता है? सो वट शुड वी राइट हेयर? वी विल राइट नोबडी. नोबडी वॉन्ट्स टू बी लेट फॉर द मूवी. कोई भी मूवी के लिए लेट होना नहीं चाहता. सो दिस वॉज आवर पेज नंबर 145. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी.